हैप्पी दिवाली आप सभी को, बड़ों को बहुत सारा प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत सारा प्यार। तो मैंने बनाया था ये वाला रंगोली घर पे, तो हर साल ही जैसे बनाते हैं तो इस साल रंगोली का जो पाउडर होता है ना वो बहुत चिपकू सा था, यानी कि भीगा भीगा सा था, तो इतना अच्छे से बन नहीं पाया जैसा सोची थी। पर जैसे भी हो फटाफट से ये बनाया था, क्योंकि सिर्फ रंगोली बनाने का काम नहीं होता, दिवाली के दिन इतना ज़्यादा काम होता है कि क्या ही बोलूँ। फिर ये सज चुका था हमारा छोटा सा घर और इतना अच्छा लग रहा था ना सच में। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है ना जहाँ पे कलरफुल लाइट, कलरफुल जो है होता है ना मिठाइयाँ, सब कुछ कलरफुल होता है, इतना अच्छा लगता है ना दिखने में, मतलब अलग सा माहौल बन जाता है। कि आप सभी को दिवाली पसंद है तो जरूर कमेंट में बताइए। मुझे दिवाली क्या, मुझे हर एक फेस्टिवल पसंद है और दिवाली तो खास करके और भी ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि दिवाली के एक दिन बाद से ही शुरू हो जाता है छठ पूजा का साफ सफाई काम और बहुत ही मज़ा आता है। तो हम लोग का ये दिवाली के जब सजाते हैं ना, टुनी लगाते हैं, तो ये छठ पूजा तक रहता है और उसके बाद ही जो है टुनी खुला जाता है। तो हर तरफ सभी ने सजाया था, सामने एक छोटा सा दुकान है वहाँ पे भी बहुत सुंदर सजाया गया था, और ये हमारा गाँच में जो है LED लाइट जो है लगाया गया था तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारा घर में क्या होता है, हर टाइम जब भी टुनी आता है ब्लू ही होता है, क्योंकि सभी को घर घर में जितने भी मेम्बर हैं सभी को ब्लू बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बच्चों से लेके बड़ों तक को। तो ये था लाइट, हम लोग का टुनी जो है इस बार ऐसे लगाया गया था, तो हर बार अलग अलग कुछ होता है, तो इस बार ऐसा था तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप सभी को कैसा लग रहा है, अपना घर किसको ही नहीं अच्छा लगता है, एक टुनी लगाओ चाहे चार दिया ही लगा दो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों ने दिया भी लगाया था, दिया घर पे लगाया था क्योंकि बाहर बहुत हवा होता है। तो इस बार क्या हुआ था, वाटर सेंसर का जो दिया निकला है वो भी लेकर आई थी, तो वो बाहर की तरफ रखी थी। तो इस बार क्या हुआ, केला का जो केला गाछ होता है वो नहीं मिला था इस बार, क्योंकि ना मैं पूरा सच में मेरा दिमाग से पूरा निकल चुका था कि केला गाछ भी लाएंगे करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना। कि उसके पहले क्या होता है, अभी छठ पूजा चल रहा है बोल के मैं वीडियो भी अपलोड फट से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा साफ सफाई सभी पता, जिसके घर पे होता है सबको पता है कितना मतलब तामझाम होता है, साफ सफाई कोना कोना साफ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना एक इमोशन है बिहारियों के लिए। और सच बोलूँ तो ना ये मतलब इतना मतलब कठिन पूजा होता है, व्रत होता है, कि हर एक छोटा छोटा चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी तो चल रहा है दिवाली, दिवाली का बात ही शुरू होता है, लहसुन प्याज तो बन ही हो चुका था और यहाँ पे जो है मेरा बाजिया फट रहा था। यहाँ पे बहुत सारा इस बार बाजी लाया गया था पटाखे, तो बाबू जो है बहुत सारा फोड़ा था, मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इस बार क्या हुआ है, इतना ज़्यादा बाजी और पटाखे आए हैं, क्या है बोलूँ, सब अलग अलग टाइप का बाजी, और इतना सारा मार्केट में बाजी निकला है ना क्या बोलूँ, कभी तो डोरेमोन निकला है, बटरफ्लाई निकला है, या फिर हैन जो होता है ना मुर्गी, बहुत टाइप्स का निकला है। तो एक जगह किटकट, इस बार किटकट इतना रफ निकला है कि क्या ही बोलूँ, किटकट जो है बहुत डेंजर फट रहा था, तो बहुत अच्छा। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था इस बार पॉपकॉर्न बॉम जो निकला है, पॉपकॉर्न वो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे बच्चे जो है पूरा इंजॉय कर रहे थे, और बाबू जो एक के बाद एक पटाखा फोड़ते ही जा रहा है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर ही लगता है, और ये वाला बूम जो था इतना। तो घर आकर भी हम लोगों ने जो है चरखा चलाया था, और चरखा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा चला, और कुछ कुछ चरखा जो है प्रॉब्लम बहुत दे रहा था, क्योंकि कभी कभी वो रुक जा रहा है, कभी से जोर से चल रहा है, और कभी कभी ढंग से फट भी जा रहा था। तो पता नहीं इस बार बूम को क्या प्रॉब्लम पकड़ा है, पता नहीं, पहले का बचपन में हम लोग जब बूम फूटते इतना अच्छा लगता था, ज़्यादा तो नहीं पर ज़्यादातर हम लोग केला बूम और ये जो चरखा होता है ये ज़्यादातर यूज़ करते थे और छू छू। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना दिवाली मनाया। आप सभी ने अपना दिवाली कैसे मनाया जरूर कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग के घर में डॉग है, अगर डॉग रखे हो तो अपने घर में पहले डॉग को अंदर किसी रूम में अच्छे से रखिए, उसके बाद जो है बूम फटाइए, क्योंकि इस बूम से वजह से ना डॉग बहुत डर जाते हैं, रास्ते के जो डॉग होते हैं ना बहुत डरते हैं। और घर का भी अगर आप लोग डॉग रखे हो तो प्लीज़ आप लोग जानवर को देख के बूम फटाइएगा, क्योंकि जानवर जो है अनबोला होता है, उनको समझ में नहीं आता है, पर वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस दिवाली में, खासकर दिवाली में एक ऐसा बूम जो फटाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमने अपना सारे डॉग को पहले रूम में बंद किया था, उसके बाद जो है हम लोगों ने दिवाली मनाई। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेगा बाय एंड गुड नाइट एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। गधा।
फाटी बहुत जबरवा के हिला दी, उल्टा उल्टा फाटी ने बोल, ये बोल क्या हुआ?